बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 11 और अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आज हमें पढ़ना है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। इसके बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बहुत मजा आने वाला है। कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आ जाओ भाई एनर्जी में और पढ़ते हैं ये प्यारा सा टॉपिक रियल डेप्थ। निकाल लिया कॉपी पेन एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, क्या चीज है ये? मान लो हमारे पास शीशे के ग्लास में पानी है, शीशे के ग्लास में पानी, वाह, और उसमें आप एक पेंसिल डुबा दो तो आप देखोगे वो पेंसिल थोड़ी सी उठी हुई दिख रही है। इसको हम बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। ऐसा लग रहा है पेंसिल थोड़ी ऊपर आ गई है, आई नहीं है, रिफ्रैक्शन से ऐसा लग रहा है। छोड़ो यार, 9th-10th में एक एग्जाम्पल तो पढ़ा होगा कि हमारे पास एक टैंक है, पानी का टंकी जो छत पे होता है, और उसमें एक सिक्का पड़ा है। बड़ी बुरी सिचुएशन है, गिर गया सिक्का। अच्छा, अब वो जो क्वाइन है जो इस टैंक के अंदर है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। हम बोलते हैं ये इसकी अपरेंट पोजीशन, रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा ऊपर दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं उसकी अपरेंट डेप्थ। और असल में क्वाइन जहां पे है उसको रियल डेप्थ। जरा बना के देखते हैं, टेंशन नहीं। और ये डायग्राम बनाते हैं। यहां मान लो मेरे पास एक पानी की टंकी है, काली पानी की टंकी, याद आ गई आपको, मम्मी टंकी भर गई मोटर बंद कर दो मम्मी। ये करते ना। अच्छा, ये आपको 5 रुपए मिला था मुश्किल से, वो भी इसके अंदर गिर गया। ये आपके पास वाटर है। अच्छा, अब आप ऊपर से इसको देखना चाहते हो, बाहर क्या है? बाहर तो एयर ही होगी, और क्या होगा बाहर, एयर। अब आप इस सिक्के को देखना चाहते हो तो सिक्के से 2 रेज निकलनी चाहिए। तो एक रे तो मैं एकदम सीधी वाली ले लूंगा, एक ये वाली। आपको पता है ये बिना किसी डेविएशन के जाती है। अरे मैंने बताया था रिफ्रैक्शन के दौरान एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर नॉर्मल इंसिडेंस करो तो रे जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो देख लें, रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ फिजिक्स वाला करके यूट्यूब पे सर्च करें। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, ये हमने आपको बताया। नॉर्मल इंसिडेंस में सीधा, तो एक रे तो ये ले ली, एक और रे चाहिए, 2 रेज चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए। तो एक रे मैंने ये वाली ले ली, चलो ऐसे ले जाके यहाँ पे टकराए, यहाँ पे क्या बनाओगे सरफेस पे, नॉर्मल बनाया। अब क्या होगा, लाइट कहां से कहां जा रही, डेंसर से रेयर, वाटर डेंसर एयर रेयर, किधर बेंड होगी, डेंसर से रेयर में, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बहुत बढ़िया, तो ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग गई, मान लो ऐसे चली गई। अब यहां आपकी आंखें, ये काली काली आंखें, अब आप देखना चाहते हो कॉइन को, जहां ये रेज मीट करेंगी वही इमेज बनेगी। रेज इधर तो कहीं मीट वो नहीं कर रही, तो इन रेज को पीछे प्रोड्यूस किया, इसको टक 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 यहां मिली, तो ये बनी क्वाइन की इमेज। तो ये क्वाइन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं इमेज। अब जो क्वाइन की ओरिजिनल डेप्थ है, असल में जहां पे है, उसको बोलते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ को आज के लेक्चर में हम डिनोट करेंगे डी से, किससे, डी से, समझते जाओ, बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे उसके बाद। यहां से सरफेस से लेते हैं, ठीक है, सरफेस से डी रियल डेप्थ, और जहां पे इमेज बनी उसको बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ, ऐसा लग रहा। तो इसको सरफेस से इमेज तक के डिस्टेंस को मैंने बोला डी डैश अपेरेंट डेप्थ। ठीक, याद रखना आज का सिंबल डी क्या है, रियल डेप्थ, और डी डैश क्या है, अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। रट मतलब कि अपेरेंट हमेशा छोटा होगा ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जर्वर कहां है, इन सब चीजों पर, यहां ऑब्जर्वर यहां ऑब्जेक्ट यहां, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। अब हमने कहा कुछ रिलेशन मिल जाए कि रियल डेप्थ पता हो तो अपेरेंट डेप्थ निकाल लें, कुछ रिलेशन मिल जाए। तो इसका रिलेशन कैसे निकलेगा, सुनो ध्यान से, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2, और जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1। जिससे लाइट आ रही है उसका N2, और जिसमें जा रही है
उसका n1, मतलब पहले जहां से लाइट निकली n2 और जहां पहुंची वो n1। तो रिलेशन है n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू d बराबर d डैश, मतलब n2 बराबर n1 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। पर यहां एक दो बात अभी डेरिवेशन बताते हैं, पर यहां एक दो बात ध्यान देना। पहला, d और d डैश कहां से मेजर होगा? ऑब्जर्वर से, ऑब्जेक्ट से, सरफेस से। कहां से? सरफेस से, जहां से दो मीडियम सेपरेट हो रहे हो वहां से। d एंड d डैश measured always from surface। ये छोटा छोटा डाउट रहता, उसके बाद न्यूमेरिकल में आंसर नहीं आता। अरे बाबा पक्का, कहां से? surface। d और d डैश कहां से मेजर करोगे? बाउंड्री से, जहां मीडियम सेपरेट हो रहे हो। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी n2 n1 की कहानी याद रखो। n2 जिससे लाइट आ रही, n1 जिसमें लाइट जा रही। छापे फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं। एक कंडीशन और है कि रेस पैराएक्सियल होनी चाहिए, ये दोनों रेस बहुत ही क्लोज क्लोज हो, बहुत ही क्लोज, इतनी क्लोज हो कि ये दोनों रेस आपस में पैरेलल हो, पैराएक्सियल। अरे हाँ, कितनी बड़ी थोड़ी ना होगी, आप ऊपर से देखते हो टैंक के बराबर देख रहे हो, इतनी बड़ी आंख थोड़ी ना कि टंकी का इतना पोजीशन, आंख तो इतनी छोटी सी है। तो आंख जब छोटी सी होगी तो दोनों रेस बहुत क्लोज क्लोज होंगी, तो हम बोलते हैं पैराएक्सियल रे। समझ रहे हो ना, दोनों रेस आंख में ही आ रही है, दोनों बहुत क्लोज होंगी। तो ये ऐसे ऐसे करते थे, बहुत क्लोज आएगी तो दोनों पैरेलल होंगी, पैराएक्सियल। छापे बताते हैं n2। ये एक फॉर्मूला आज के लेक्चर का, सिर्फ एक फॉर्मूला, और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हम इससे गिरा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं। छापे, छापो, ये आपको सिक्का जो आपको मिला था नवरात्रि में, जब आप कन्या खाने गई थी फॉर गर्ल्स, कन्या खाने गए थे, 5 रुपया मिला था, वो भी गिर गया टंकी में। मिटा रहे n2 जिससे लाइट जा रही या जिससे लाइट आ रही, और n1 जिसमें लाइट आ रही, बाद में n1। ये मत याद रखना कि n2 वो है जिसमें ऑब्जेक्ट, कई लोग करने वाले थे, है ना करने वाले थे कि n2 जिसमें ऑब्जेक्ट, n1 नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन जहां पे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर सब गायब हो जाएंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस नहीं। जिससे लाइट आ रही n2 और जिसमें जा रही वो n1। चलो इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। सबूत तो चाहिए सबको, क्यों? क्योंकि ये अंदर कानून है ना। सबूत चाहिए, सबूत आओ, सबूत देखते हैं इसका। सबूत में कुछ अजम्पशन भी होंगी डेफिनेटली। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री है और ये हमारा पानी है, पानी हो, ग्लास हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो मीडियम होने चाहिए बस। यहाँ पे पानी है, पानी है, पानी तेरा रंग कैसा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसी कॉइन को रख लेते हैं। ओ, अब हम यहाँ से दो रेस लेके आएंगे, एक रे सीधे टकाकू, एक रे ऐसे टिंग। यहाँ पे बनाएंगे नॉर्मल टक 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 टक, छी, यहाँ बनाएंगे नॉर्मल टक 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 टक। अब ये रेस किधर बेंड होगी? वाटर से एयर में जा रही तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। थोड़ी देर मान लो कि ये वाटर है, ये एयर है, हाँ, किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रेस को ऐसे जाना चाहिए था, पर नॉर्मल से दूर भाग जाएगी कुछ ऐसे। अच्छा, अब यहां आपकी आंख है, ये मैं बोला था आंख इतनी बड़ी थोड़ी ना होती है, तो हमने बनाया है मैग्नीफाई करके। असल में तो ये दो रेस बहुत क्लोज है, बहुत ही क्लोज होंगी, तभी तो आंख में दोनों जाएंगी, बहुत ही क्लोज। खैर, ये जा रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये यहां से रेस हमको मिलानी है तभी इमेज बनानी है, तो रेस पैसे भाग रही इसको, ये मिल गई, ये बन गई इमेज, ऑब्जेक्ट। ये हो गई हमारी रियल डेप्थ डी, और ये हो गई हमारी अपरेंट डेप्थ डी डैश। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर लाइट यहां से यहां जा रही तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोल सकते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल। अच्छा बच्चों, ये एंगल आई है तो क्या ये एंगल भी आई हो जाएगा? देखो, टक 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 जेड बन रहा है, टक टक टक, ये देखा जेड, ये एंगल अगर आई होगा तो ये एंगल भी आई, बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल आर होगा,
ऐसे देखो, एक सीधी लाइन ऐसे है, इसको आपने ऐसे काटा हुआ है, और यहाँ पे एक लाइन है, ये दोनों लाइन कैसी है पैरेलल, और ये एक सिंगल लाइन जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं, ये एक लाइन ऐसे जा रही है और ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये आर, तो ये भी आर हो गया, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ए खचक 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 खचक, ये एंगल आई तो ये एंगल आई। चलिए इतना आप समझ गए, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स, कुछ भी मान लो, एक्स वाई एम जो भी, एक्स, इस डिस्टेंस को एक्स मान लिया, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे एन टू, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानेंगे एन वन, जिसमें से लाइट आ रही वो एन टू और जिसमें लाइट जा रही वो एन वन। चलो अब लगाते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ सबको याद है, स्नेल्स लॉ याद है सबको, चलो अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू और इस एंगल का साइन, यानी एन टू साइन आई इज इक्वल्स टू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन इन टू साइन आर, बोलो सही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल। अब सुनो, क्योंकि आंख बहुत छोटी होती है, इसका मतलब ये दोनों रेज बहुत क्लोज होंगी, अगर बहुत क्लोज होंगी तो करीब करीब पैरेलल होंगी, तो हम लिखेंगे सिंस रेज आर पैरा एक्सियल, ये तो पढ़ा था मिरर में, पैरा एक्सियल केसेस में ये एंगल बहुत छोटे बनेंगे, सोच सोच भाई, ये रे ऐसे 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 सीधी होती जा रही है, ये रे ऐसे 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 सीधी होती जा रही है, तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल छोटा हो जाएगा। हाय भाई, अभी एंगल बन रहा है नॉर्मल से बढ़िया, देखो ये रे फिर ऐसे हुई, एंगल छोटा हुआ, फिर ऐसे हुई, एंगल और छोटा हुआ, देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल छोटा होता जाएगा, दिख रहा है, रे जैसे सीधी होगी नॉर्मल के साथ एंगल इसका कम होता जाएगा। सिंस रेज आर पैरा एक्सियल, आई एंड आर, एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल, और मैंने आपको बताया जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तब साइन आई को आप करीब करीब आई बोल सकते हो, और उसी को आप टैन आई भी बोल सकते हो, टैन आई भी करीब करीब आई के बराबर होता है, साइन आई भी करीब करीब आई के। इसी तरह से इस सिचुएशन में साइन आर विल बी नियरली इक्वल टू आर, विच विल बी इक्वल टू नियरली टैन, साइन थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है अगर एंगल बहुत छोटे हो। लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक। अच्छा, यानी अब यहां पे एन टू साइन आई की जगह एन टू टैन आई पुट कर देंगे और एन वन टैन आर पुट कर देंगे, पर ये तभी करेंगे जब रेस पैरा एक्सियल हो, जो कि यहां होंगी क्योंकि आंखों में जानी है, आंखें छोटी सी हैं। n2 tan i, अब यहां से tan i बताओ, tan i क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x बराबर d, n1 tan r, tan r क्या होगा, इस ट्रायंगल से देखो, छोटे वाले ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन d डैश, कोई दिक्कत, tan i क्या हुआ इस बड़े वाले ट्रायंगल से, tan i परपेंडिकुलर बाय बेस, tan r परपेंडिकुलर बाय बेस, बहुत बढ़िया, x से x मर गया, और अब n1 को इधर ले आओ, so finally you can get n2 बराबर n1 is equals to d बराबर d dash, d is what real depth, d dash is what apparent depth, कुछ बातें याद रखनी है कि d और d dash कहां से मेजर होते हैं, बाउंड्री से या सरफेस से, जो बोल, n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिससे लाइट जा रही है, जिससे लाइट आ रही, और n1 जिसमें लाइट जा रही, और ये सारी assumptions कब वैलिड हैं, जब ये सारी situations कब वैलिड हैं, जब ये assumption वैलिड है that rays are parallel, ये तीन बातें याद रखना, कौन सी बात, पहली बात ये कि d d dash measured, लिख लो from surface, ये नहीं कि observer से measure कर रहे हैं, यहां से नहीं measure हो रहा, surface From surface, तभी ये formula सही होगा। N2 किसका refractive index? जिससे light जा रही, N1 जिसमें light आ रही। और ये सारे assumptions, ये सारी चीजें कब valid हैं? When rays are paraxial। N2 जिससे light आ रही, N1 जिसमें light जा रही। लिख लो। बस एक formula, बस एक। मिटा रहे हैं, सवाल कराएं? सवाल कराएं, इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान,
इश्क के आगे बेबस है, दुनिया में हर इंसान बोर आ गया, अब तो बंद करो प्यार वहां पर। आओ अच्छा पढ़ते हैं, मिटा रहे इसको। चलो बहुत बढ़िया, अब इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज इस मैंने व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा पानी लगा के धो दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है उसके बाद इंक इसमें चिपकने लगती है। मोस्ट प्रॉब्ली अगले एक दो लेक्चर मुझे बोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफी पुराना हो जाता है बोर्ड, तो इंक धीमे धीमे इसमें एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब होती रहती है, जिसकी वजह से बोर्ड धीमे 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 गंदा होता रहता है। चलिए तो सवाल नंबर एक यहाँ पे हमारे पास है पानी। आ जाओ बस प्रैक्टिस करनी है चार पांच मिनट तक। यहाँ हमारे पास पानी, पानी के अंदर एक मच्छी, नहीं नहीं खाना नहीं है सर, खाएगा इसको निकाल के ना 24 सेंटीमीटर नीचे एक मच्छी है, मच्छी फ्राई, नो डोंट फ्राई। और यहाँ हमारे पास एक चिया है, चिया उड़, तोता उड़, मैना उड़, फिजिक्स वाला उड़, ये यहां से मान लो 36 सेंटीमीटर ऊपर एक बर्ड है। ये हमारे पास वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दे रखा है 4/3। और ये हमारे पास एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। सवाल क्या है फाइंड द एपरेंट डेप्थ, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। बर्ड किसको देख रही मच्छी को देख रही, तो मच्छी उसे कितनी डेप्थ पे दिखेगी। By bird, find the apparent depth of fish as seen by bird. चलो try करो एक बार बताएं। क्या करोगे? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? N2 upon N1 is equals to D upon D dash. फॉर्मूला सिर्फ यही लगेगा आज। चलो अच्छा, तो लाइट रेस कहां से कहां जाएंगी? Apparent depth of fish as seen by bird, यानी लाइट फिश से बर्ड की तरफ जाएगी, तभी तो बर्ड अपनी आंखों से इसको देखेगी। तो लाइट यहां से यहां जाएगी, N2 क्या होता है जिससे लाइट जा रही है, तो N2 हो गया 4/3। N1 क्या होता है जिसमें लाइट जा रही, तो N1 हो गया हमारे पास 1। बोलो आया नहीं समझे? लाइट कहां से कहां ले जाओगे इस केस में? यहां से यहां ले जाओगे। क्या बोला है? फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, बर्ड को देखना है। तो मछली से रेस जब बर्ड की आंख में जाएगी तभी तो बर्ड मछली को देख पाएगी। तो लाइट कहां से कहां जा रही? वाटर से एयर। N2 होता है जिससे लाइट जा रही, N1 जिसमें लाइट जा रही, इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एपरेंट तो निकालनी है, रियल डेप्थ कितनी है मछली की बताओ? 24 की 16, ये लें कि ये पूरी लें? ये सरफेस से लेना है। कितनी? 24 अपॉन डी डैश। यहां से डी डैश की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 3/4, 4 6 24 6 3 18, डी डैश इज 18 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा ये मछली आपको ऊपर उठ के दिखेगी, कहां पे? 18 सेंटीमीटर में। ये मछली थोड़ा सा ऊपर आपको कहीं यहां दिखाई पड़ेगी, कितनी दूर पे? 18 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल में क्या हुआ ना कि इन्होंने ये नहीं कहा कि एपरेंट डेप्थ बताओ फिश की, सुनो बात, आंसर 18 नहीं होगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, इन्होंने कहा फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, बर्ड को वो कितना नीचे दिखेगा। बर्ड को एक्चुअली वो कितना नीचे है बर्ड से? 36 प्लस 24, पर दिख कहां पर आया है? 36 प्लस 18। तो एक्चुअल में डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड, फ्रॉम सरफेस नहीं, From bird is equals to 36 plus 18, बोलो समझे? ये plus is equals to 68 हो गया अपना 14 to 54 centimeter। फॉर्मूले में उठा के ये मत रख देना 36 सेंटीमीटर सोचना। फॉर्मूले में d और d dash कहाँ से सरफेस से निकाला? फिर मैंने कहा बर्ड से डिस्टेंस बताना है ना, कहाँ? तो बर्ड से 36 नीचे और फिर 18 नीचे। छाप लें। अगला सवाल आप खुद से करेंगे, पक्का वादा, मेरा वादा आप कर लिखाओगे, कल ले जाओगे। एक वर्ड नहीं बोला जाता मेरे से, बेटा रस कम क्लियर है? N2 जिससे लाइट जा रही, N1 जिसमें लाइट जा रही, जिसमें जिस
पहले से जा रही फिर इसमें जा रही। डी रियल डेप्थ 24 सरफेस से, अपरेंट डेप्थ आ गई 18, फिर बर्ड से कितना नीचे 36 18 54 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ नहीं बोल सकते, फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, एज सीन बाय फिश। अब ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जर्वर कौन है बताओ, एज सीन बाय फिश। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन फिर से 54 सेंटीमीटर, ऑप्शन टू है 68 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 72 सेंटीमीटर करके दिखा रहे बाबा, ये खुद से हो जाना चाहिए। सोचो, फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, मछली देख रही है, सोचो मछली खाना नहीं है, सब सोच रहे हैं इसको कट के अपन फ्राई करना। फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो, मजाक नहीं कर लिया, चल फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, बर्ड की अपरेंट हाइट एज सीन बाय फिश। तो इस चिड़िया को अब फिश देखेगी, चिड़िया अपना ऑब्जेक्ट हो गई, बर्ड अपना ऑब्जर्वर हो गई, तो रेस चिड़िया से चल के बर्ड तक है, चिड़िया को देखना है ना, चिया उड़ी ऐसे फिश ऐसे देख रही चिड़िया को, तो रेस कहां से कहां आएंगी, चिड़िया से बर्ड की तरफ। कुछ नहीं फॉर्मूला लगा दो, n2 बराबर n1 इज इक्वल टू d बराबर d डैश, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। n2 जिससे लाइट आ रही, कहां से आ रही इस बार, एयर से, n1 जिसमें लाइट आ रही किसमें आ रही, 4/3। कई लोग परेशान, अभी तो n2 ये था, अबे याद नहीं करो कॉन्सेप्ट समझो, n2 जिससे लाइट आ रही, n1 जिसमें लाइट आ रही, किसको देखना है, बर्ड को, तो रेज बर्ड से आएगी तभी तो बर्ड दिखाई पड़ेगी ना, ऑब्जेक्ट से रेज आती है ना। हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए। डी रियल डेप्थ, हाइट नहीं डेप्थ बोला, कहां से, सरफेस से, किसकी, चिया की, चिया की बात हो रही, कितना ऊपर है 36 अपॉन डी डैश, यहां से डी डैश इज इक्वल टू 36 इंटू 4/3, 3 12 36, 12 4 48 सेंटीमीटर। देखो इस बार अपरेंट डेप्थ ज्यादा आ गई, रियल डेप्थ कितनी थी 36, अपरेंट डेप्थ कितनी आ गई 48, यानी चिड़िया ऊपर दिखाई पड़ेगी ऐसे। इसलिए मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि अपरेंट डेप्थ छोटी हो, अपरेंट डेप्थ बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है मीडियम पे। तो मछली को चिड़िया कहां दिखेगी, 48। अब 48 भी ऑप्शन है, मार दे, नहीं, अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, 48 आंसर जिसने मारा उसका गलत। तो फॉर्मूले में रखना था ना ये सब, फॉर्मूले से ही आंसर आया है। अभी आगे बढ़ो सवाल, अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, जब फिश देखेगी तो यहां से 24 और 48, यानी हाइट, ये अपरेंट हाइट फ्रॉम फिश कितनी हो जाएगी, 24 + 48, 8 4 12 5 2 7, 72 सेंटीमीटर। किसने ये किया था, बधाई हो, आपका आंसर सही। समझ में आया, फॉर्मुलेस निकाला पर सवाल की लैंग्वेज भी समझो ना, ये नहीं कह रहा फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम सरफेस, फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम सरफेस नहीं बोला, सरफेस से देखो तो, बट फिश के हिसाब से, फिश के हिसाब से ये आंसर में फाइनली दोनों ऐड होगा, बट फॉर्मुले फॉर्मूले में डी और डी डैश कहां से, सरफेस से, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, अभी और न्यूमेरिकल करेंगे। n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d बाय d डैश, n2 जिससे लाइट आ रही, n1 जिसमें लाइट आ रही, d रियल डेप्थ, d डैश अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ कितनी चिड़िया की 36, अपरेंट कितनी गई 48, कहां से, सरफेस से। किसको देखना है, चिड़िया को, तो रेस चिड़िया से बर्ड की तरफ, रेस हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जितने लोग का 72 आया था बहुत बहुत बधाई, अगला सवाल सही करके दिखाएं, करेंगे खुद से पॉज करके, ऑप्शन दें, हाँ सर मजा आ जा भाई, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान एक ऑब्जेक्ट है और वो एयर में रखा, कहां रखा है, एयर में रखा, ठीक है, और यहां एक दूसरा मीडियम है ऊपर, ऊपर मान लो जैसे ग्लास है, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हमको बोल रखा है 1.5, ये ऑब्जेक्ट
यहां से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ग्लास खत्म हुआ, इसके ऊपर फिर है एयर, ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर और आप यहां खड़े हो, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। आए हाय, तीन मीडियम, दो नहीं तीन, एयर ग्लास एयर। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ओ एज सीन बाय आई, ये बिग बॉस की आंख, ऐसा लग रहा है मैं कोई गाली वाली दे रहा हूं, नहीं, बिग बॉस की आंख, ठीक है। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ओ एज सीन बाय आई, ट्राई करेंगे, पॉज करें जितने लोग चाहे ट्राई कर लें। ऑप्शन है आपके पास यहां पे 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन है आपके पास 60 सेंटीमीटर। ट्राई करें, पॉज करके एक मिनट ट्राई करें, फिर बताएं कैसे करेंगे तीन मीडियम वाला, यहां दो की जगह तीन मीडियम में हो जाएगा, आसान है। देखो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, पहले हम एक बात करेंगे कि मान लेंगे कि ऑब्जर्वर यहां है, पहले हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऑब्जर्वर इस मीडियम में है, पहले इन दो मीडियम को डील करते हैं, लाइट रेज ऑब्जेक्ट से यहां जा रही है, तो इन दो मीडियम के लिए इसको हम बोल देते हैं चलो फर्स्ट सरफेस, इसको बोल देते हैं सेकंड सरफेस। भाई इस बार रिफ्रैक्शन दो बार होगा, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, तो पहले फर्स्ट को डील करते हैं, फर्स्ट सरफेस को डील करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश, एन टू लाइट जहां से आ रही यहां से वन, एन वन लाइट जहां पे जा रही यानी 1.5। रियल डेप्थ कहां से लोगे, सरफेस से, फर्स्ट सरफेस से, कितना नीचे है 10, एपरेंट डेप्थ डी डैश, यहां से डी डैश की वैल्यू आई 10 इंटू 1.5 विच इज 15 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ इस बार फिर से बढ़ी आई, मतलब ऑब्जेक्ट यहां है, पर आप जब यहां से देखोगे तो ऑब्जेक्ट आपको कहीं यहां दिखेगा, दिस इज, यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना नीचे है 15 सेंटीमीटर जब यहां से देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहां से देखने पे यहां दिखा। अब हम चलते हैं सेकेंड सरफेस पे, अच्छा मैंने आपको सिखाया है कि पहली वाली इमेज दूसरे वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनती है, ये हमने आपको मिरर्स में सिखाया था जब कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पढ़ा रहे थे, कि पहले वाले रिफ्रैक्शन की इमेज, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन की इमेज दूसरे सरफेस के लिए क्या बनती है, ऑब्जेक्ट, यानी इसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब रेज यहां से यहां जाएंगी सेकेंड सरफेस में, फिर से लगा दो एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश, लाइट कहां से जा रही यहां से, तो ये हो गया 1.5, कहां जा रही एयर में, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब रियल डेप्थ कितनी है, अब ये हो गई रियल डेप्थ, इस सरफेस देखो 15, देखो एक बात समझो, इस सरफेस को क्या लग रहा है, इस सरफेस को क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट कहां है यहां पे, इसको लग रहा है ऑब्जेक्ट नीचे यहां पे, तो यहां से ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ कितनी है 15 30 अपॉन, नहीं समझे, इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर आए, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस आए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आए, तो पहले वाले की जो इमेज होती है, सुन लो, पहले वाले की जो इमेज दूसरे वाले के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहां से कितनी डेप्थ है 15, ऑब्जेक्ट यहां ही दिख रहा है, इसको लग रहा है ऑब्जेक्ट यहां है 15 15 30। अब आप एपरेंट डेप्थ निकालने वाले हो, डी डैश इज इक्वल टू 30 अपॉन 1.5, 15 2 30 20 सेंटीमीटर, कितना 20, तो ये इमेज इसको यहां ना दिख के 15 15 30 ना दिख के इसको फाइनल इमेज आई की, इसको हम बोल देते हैं एट आई डैश, तो फाइनल इमेज इसको थोड़ी ऊपर दिख रही है, सब एक ही लाइन में होंगी बच्चों, सब एक लाइन में, इसको थोड़ी ऊपर दिख रही है, मान लो से यहां पे आई डैश, यहां से कितना नीचे 20 सेंटीमीटर नीचे। फाइनली क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ओ एज सीन बाय आई, अब इसमें आंसर बी मार दिया तो गलत हो गया,
देखो पहले रेज यहां से यहां गई, फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाया, फिर यहां से यहां गई सेकंड सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाया, फाइनली अपेरेंट डेप्थ कितनी आई 20। कहां से ये कहां से मेजर हुई है? इस सरफेस से। इससे कितने नीचे? सब एक लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे। पहले ऑब्जेक्ट की ये बनी इमेज, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फिर इसकी इमेज यहां बनाई इसने, ये फाइनल इमेज। बट अपना क्वेश्चन पूछ रहा है सीन बाई आई ऑफ ओ एस सीन बाई आई, तो आई को कितना दिखेगा? 20 प्लस 20, फाइनल आंसर इज 40 नॉट 20। थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में डेफिनेटली ये ऑप्शन होगा, डेफिनेटली कई लोगों ने किया होगा, जितने लोगों ने किया खुद को ऐसे 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 कर लें, या अपने दोस्त से कह दें, दोस्त से मत कहना बहुत गंदा मारते हैं ऐसे पटाक से, नहीं अपने आप ही मान लो, किसी को मत बताओ, ऐसे काट के सही कर लो, कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। समझ में आया? आई से देखना है, फाइनल आंसर 20 आया, पर आई से 20 20 40, क्लियर है? तो पहले के लिए इमेज बनाओ, वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फिर फाइनल इमेज, फिर डिस्टेंस फ्रॉम, नोट कर लें। अगला सवाल आप पूरा खुद से करोगे, मिटा रहे इसको, पॉज करके नोट करें। चलो अगला सवाल खुद से करोगे, कोई चोरी नहीं, गलत हुआ तो खुद को एक कस के, मैं नहीं बोल सकता, मारना तो मना है, गलत हुआ तो खुद को गंदी गंदी गालियां दे देना मन के अंदर, जो सबसे बुरी गाली आपको आती हो, छीछी उतनी गंदी नहीं, छीछी तुम्हें बहुत गंदे हो। हाँ सवाल, सवाल क्या है की यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, किसमें रखा है? एयर में रखा है, और यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्लास, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट यहां से दूर है मान लो 20 सेंटीमीटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है 1.5, एयर का रिफ्रैक्टिव दे रखा है 1, यहां पे ग्लास खत्म हो गया भाई है, और फिर यहां स्टार्ट हो गया कोई और मीडियम है, लेट अस से इट इज मीडियम एक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 2, इससे भी गाढ़ा, इससे भी गहरा, इससे भी ज्यादा घना मीडियम है 2, और यहां की ये जो लेंथ है ग्लास की ये है 30 सेंटीमीटर। इस मीडियम में आपकी आंख है, बिग बॉस की आंख यहां रखी, कितनी दूर यहां से? 20 सेंटीमीटर दूर है। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द एपरेंट डिस्टेंस ऑफ ओ एस सीन बाय बिग बॉस की आई। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ट्राई करो, पॉज करके ये अलग खुद से करना, ईमानदारी से करना। चलो पहले क्या करोगे, यहां पे आप लगाओगे n2 by n1 का फॉर्मूला, इसकी इमेज आएगी, फिर वो इमेज इसके लिए क्या बन जाएगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फिर n2 by n1 का फॉर्मूला लगाओगे, फिर फाइनल इमेज आएगी, फिर आप करो पॉज करके, हो गया पॉज करके, ऐसे पुचक पॉज दबा के हो गया, जानम देख लो मैं करने जा रहा, ये है मेरा फर्स्ट सरफेस, ये है मेरा सेकंड सरफेस, मिट गई दूरियां, मैं यहां क्लियर लगाने जा रहा फॉर्मूला फर्स्ट सरफेस पे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक ही फॉर्मूला आज के लेक्चर में, n2 by n1 is equal to d by d'। लाइट कहां से जा रही? यहां से जा रही, तो ये बन गया n2, और यहां को जा रही तो ये बन गया n1। हलवा लग रहा है? डी रियल डेप्थ कहां से? सरफेस से, कितना पीछे है? 20 सेंटीमीटर अपॉन डी डैश अपरेंट डेप्थ, डी डैश इज इक्वल टू 20 × 1.5, ये हटा के जीरो काट दो, 15 × 2 = 30 सेंटीमीटर। तो अपेरेंटली ये ऑब्जेक्ट 20 पे ना 30 पे दिखेगा, कहां से? सरफेस से, मतलब ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहां पीछे बनेगी, पहली इमेज आई कितनी दूर? 30 सेंटीमीटर दूर, जब कहां से देख रहे हैं आप? यहां से, जब आपने यहां से देखा। अब ये इमेज क्या बन जाएगी बच्चों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले की जो इमेज है वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड सरफेस को लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहां, यहां नहीं दिखेगा, 30 30 60 सेंटीमीटर दूर। तो आ जाओ सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन कराते हैं, फॉर्मूला n2 by n1 is equals to d by d'। अब लाइट कहां से कहां जा रही? यहां से यहां, सेकंड सरफेस में, यहां से यहां, तो कहां से कहां? 1.5 से 2 की तरफ, n2 जहां से जा रही, n1 जहां पे जा रही,
इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी डैश। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट है कहां पे? यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसने कहा, इसने इसको धोखा हो गया ना, इसने कहा रिफ्रैक्शन कर देते हैं और ऑब्जेक्ट पीछे खिसक गया। इसने कहा अच्छा यहां ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है? 60 पे अपॉन डी डैश। यहां से डी डैश इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 अपॉन 1.5। पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगाया, 15 4 60 420, 80 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। मार लो, देख लो गाली, गलत है ये नहीं है। क्यों? अच्छा इसको लगा फाइनली कहां पे आंसर आएगा? 80 30 30 60। इसने यही कहा कहीं यहां इमेज बनाई आई डैश, कितनी दूर? 80 सेंटीमीटर। बोर्ड पार हो जाएगा इसको, मुझे पता है। थोड़ा आगे कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं, ए ए ए यहां बना लेते हैं। ये था 30 और यहां का इमेज बन गई आई डैश। फाइनल कितनी दूर? 80। पर क्या पूछा है? एज सीन बाय आई। अब आई यहां से कितना दूर है? 20 और ये 80। तो फाइनल आंसर इज 100। डिस्टेंस ये कहां बनी? एट आई डैश। फाइनल मेजर आई डैश। नहीं समझे? इसको दिखा 60 पे, इमेज इसने बनाई 80 पे, तो आपको एट 80 दिखा। अब डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम आई कितना हो जाएगा? 20 प्लस 80। फाइनल आंसर इज 100 सेंटीमीटर। जिन्होंने कर लिया तो उनको बधाइयां बधाइयां बधाइयां। आते हैं अगले सवाल पे, लेवल बढ़ाते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो आपने एक तो सिंपल देख लिया कि ऑब्जेक्ट एक बार डेंसर मीडियम में था, फिर ऑब्जेक्ट एक बार रेयर मीडियम में, जैसे चिड़िया को एक ले लिया, जब चिड़िया ऑब्जेक्ट बनी तो रेयर मीडियम, जब मछली ऑब्जेक्ट बना तो डेंसर मीडियम में थी। फिर आपने देख लिया कि अगर तीन तीन मीडियम एक साथ हो तो कैसे डील करना है, पहले की इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसी में कॉल लगा तो कर लेंगे, यहीं पे चौथा मीडियम कर दें। तो अब ये इमेज उसके लिए क्या बन जाएगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा करते जाए तो हो जाएगा ना। मान लो अभी एडवांस में ऐसा केक उठा के आप एक और मीडियम लगा दिया, घबरा तो नहीं जाओगे? ये इमेज उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर एक बार N2/N1 लगा दो, ये भी आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ सवाल उठा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को मिलाते हैं। डर लग रहा है? नहीं डरना नहीं है ना। क्या आप लोग ने विनी दा पू कार्टून देखा है? कहां देखा होगा आप लोग, मॉडर्न जमाने के बच्चे। उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम था पिगलेट। वो पू से बोलता था, पू एक टेडी बेयर था। नहीं मेरे जैसा टेडी बेयर नहीं, ओरिजिनल टेडी बेयर था। तो पिगलेट उससे बोलता था, पिगलेट जानते हैं ना क्या होता है? चलिए दूर लीजिएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है पू, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो डरे नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत बढ़िया सवाल। मान लो यहाँ पे पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा रे, ये यहाँ पे पानी है वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही 4/3, ठीक है। और यहां नीचे हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया, स्टैंड के बेस पे हमने क्या लगा दिया? एक प्लेन मिरर लगा दिया। फिर हमने इस पानी में एक मच्छी डाल दी, यहाँ पे कच्ची मच्छी, कच्ची रहने देना इसको, पकाना नहीं, ये कच्ची मच्छी डाल दी हमने। मान लेते हैं कच्ची मच्छी सरफेस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इस मच्छी से मिरर 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। 24 सेंटीमीटर पे मच्छी और मच्छी से मिरर 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। आप ऊपर से इसको देख रहे हैं, ये आपकी आंख। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑफ फिश। देखो फिश की दो इमेज बनेगी, मैं यहां ब्रैकेट में बता देता हूं, वन विदाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर एंड वन विथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। ट्राई, इसकी दो इमेज बनेगी, देखो ध्यान से सुनो, बता देते थोड़ा सा पहले तो छापो क्वेश्चन। छापो ऊपर क्या है? एयर, नीचे क्या है? नीचे कुछ नहीं है। इसकी दो इमेज बनेगी, देखो एक इमेज इसकी बनेगी अपने आप ऊपर बनेगी थोड़ी सी,
अभी आपने देखा था ना मछली थोड़ी सी ऊपर दिख रही थी, याद है 24 पे थी 18 पे दिख रही, थोड़ी ऊपर हो गई। तो एक तो सीधा सीधा यहाँ इसकी अपरेंट इमेज बन जाएगी, अपरेंट डेप्थ। एक क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा मिरर में, और रिफ्लेक्शन होने के बाद उसकी इमेज बनेगी। उन दो इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है, बढ़िया सवाल है, ट्राई करो। मैंने हिंट दे दिया, एक इसकी सीधा सीधा इमेज, एक इसके रिफ्लेक्शन होकर जो इमेज बनी उसकी फाइनल इमेज जो बनेगी। डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज ऑफ फिश, फिश एज सीन बाय आई, एज सीन बाय आई। ट्राई करें, ट्राई करें, हो जाएगा, पॉज करके ट्राई करें। कर लिया, पॉज करके ट्राई करें, हो गया, पॉज करके। ऑप्शन ऑप्शन चाहिए, ओके, ऑप्शन 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 मिलेगा, ए बी सी डी, हाँ वैल्यू डाल रहा हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पढ़ो पढ़ो खेल खेल में, पढ़ो पढ़ो। तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन इज 14 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन इज 16 सेंटीमीटर, लास्ट ऑप्शन इज 18 सेंटीमीटर। एक इमेज इसकी सीधा बन गई, एक रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी उसकी फाइनल इमेज। तो पहले वाले और फाइनल वाले इमेज के बीच का डिस्टेंस ट्राई कर लो। चलो मैं करने जा रहा हूं, पहले बात करते हैं इसकी सीधा सिंपल इमेज की, फर्स्ट इमेज विदाउट रिफ्लेक्शन, विदाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं, रेज यहां से यहां बाहर जाएंगी सीधा, ऐसे कटाक सीधा लगा देते हैं अपन, क्या एन टू बराबर एन वन इज इक्वल टू डी बराबर डी डैश। लाइट कहां से जा रही, यहां से, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई, 4 अपॉन 3 एन वन, इस मीडियम की एयर कितनी होती है 1, जिससे जा रही है वो एन टू, जिसमें जा रही है वो एन वन, 1 इज इक्वल टू डी, रियल डेप्थ कितनी है मछली की, कहां से लोगे डेप्थ, कहां से लोगे सरफेस से, कितनी है 24 अपॉन डी डैश, यहां से डी डैश कितना आया 24 इंटू 3 बाई 4 6 जा 24 6 3 जा 18 सेंटीमीटर, पहले भी हमने किया था ये सवाल, 24 सेंटीमीटर भी थी 18 पे दिख रही थी। तो पहली इमेज तो यहां बन गई, इसको हम बोल देते हैं मछली बनाने, इसको हम बोल देते हैं आई, कहां पे बनी 18, 18 कहां से सरफेस से, तो यहां से 18 नीचे पहली इमेज, गंदगी करना जरूरी है सर आपका, हाँ 18 सेंटीमीटर पे पहली इमेज। अब आते हैं विथ रिफ्लेक्शन पे, स्क्वायर आई वन बना लिया विथ रिफ्लेक्शन, इसको मिटा दें हम। अब विथ रिफ्लेक्शन दूसरी इमेज देखो, तो अगर प्लेन मिरर के हिसाब से देखो तो ऑब्जेक्ट कहां पे, ये रहा, कितनी दूर है 12, तो प्लेन मिरर का आपको कंसेप्ट पता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी अंदर इमेज, तो यहां मछली की एक इमेज बनाएगा प्लेन मिरर, कितनी अंदर यहां से 12, भाई प्लेन मिरर का कंसेप्ट यही होता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। अच्छा तो एक्चुअल में जो मछली यहां थी वो यहां दिखेगी, ठीक है 12 ऊपर थी 12 नीचे, क्या आंख की मछली यहां दिख जाएगी, नहीं, रेस फिर यहां से होके जाएगी आंख तक, यहां से होके फिर रेस जाएगी आइस तक, यानी फिर से क्या होगा रिफ्रैक्शन। सो फिर से n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d अपॉन d डैश, नहीं समझे, अरे मछली यहां होगी नहीं रिफ्लेक्शन के बाद, तो मछली यहां हुई ना, एक क्या कह रहा है, एक विदाउट रिफ्लेक्शन एक विद रिफ्लेक्शन है दूसरी इमेज, तो विद रिफ्लेक्शन तो मछली यहां हो गई, अब यहां से रेस जा रही है आंखों तक, तो n2 by n1 is equal to d by d dash, रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है यहां पे, ऐसा करो इसको यहां से काट दो, अब समझ में आया, यहां मछली दिखेगी नीचे, अब यहां से रेस जाएगी आंखों तक, ये रहा सरफेस, रिफ्रैक्शन तो यही होगा, n2 जहां से लाइट जा रही इसमें से जा रही 4 बाई 3, जहां जा रही एयर में 1 इज इक्वल टू d, इसकी रियल डेप्थ कितनी हुई जरा देखो, d यहां से 24 12 12 24 12 12 कितना हो गया 24 24 48 अपॉन d डैश, यहां से d डैश कितना हो जाएगा 48 इनटू 3 बाई 4 12 जा 48 12 3 जा 36 सेंटीमीटर, n2 जहां से लाइट जा रही 4 by 3 जिसमें जा रही 1, रियल डेप्थ यहां से इसकी
विद रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद यहां हो गई मछली, मछली यहां आई नहीं, अब यहां तो अब रेस यहां से ऊपर जा रही, तो रियल डेप्थ कितनी होगी 24, 12, 12, 24, 48, अपरेंट डेप्थ आ गई 36। यानी अब जो दूसरी इमेज बनी उसको हम बोल देते हैं एट आई टू, तो दूसरी इमेज कहां पे बनी है 36 पे, यहां से 36 पे यहां मान लो यहां बनी, एकदम इसी लाइन में बननी चाहिए, लो यहां बनी आई टू, कितना नीचे है आई टू 36 सेंटीमीटर। सवाल क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 36, ये 18, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 18 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर इज, पहली वाली सरफेस से 18 नीचे, दूसरी वाली सरफेस से 36 नीचे, डिफरेंस हो गया 18 का। आया पहली इमेज तो इसकी सीधा यही बन गई एकदम सिंपल फॉर्मूले से, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ से, और दूसरे के पहले इसका रिफ्लेक्शन कराया तो 12 ऊपर थी 12 नीचे है। फिर इसकी ओरिजिनल डेप्थ कितनी हो गई 48, अपरेंट डेप्थ कितनी आ गई 36, तो यहां बना दिया। लास्ट क्वेश्चन करें, थोड़ा सा ही कांसेप्ट, इसको कॉपी कर लो, आखिरी क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा सिमिलर कांसेप्ट है, चलो छाप लिया, मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लो। ओके, तो आज का आखिरी सवाल खुद से करेंगे आप, ये तो प्लेन मिरर था, अब लेके आते हैं स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे हम, बढ़िया एडवांस लेवल का सवाल, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सवाल, मान लो यहां पे एक कॉनकेव मिरर है, यहां पे एक मीडियम है, मान लो जैसे मीडियम है हमारा ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर हमारे पास एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री से 10 सेंटीमीटर दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारे पास डिस्टेंस दिया है लेट अस से 45 सेंटीमीटर लेंथ का ग्लास है, और ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, आंख ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे है, जस्ट पीछे। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज ऑफ ओ एंड ओ इटसेल्फ, या ऐसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड ओ एज सीन by I. Find the distance between final image and O as seen by I. बढ़िया सवाल है, मिरर भी आ गया, ऑप्शन दे देते हैं, ट्राई कर लो, ऑप्शन है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन है आपके पास 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन है आपके पास 80 सेंटीमीटर, ट्राई करो, पॉज करके आखिरी क्वेश्चन, इसको 10 मिनट 15 मिनट से झगड़ा करेंगे, सवालों करके रहेंगे, जब तक इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे खुद से। चलिए मैं शुरू करूं, हाँ इसमें सब होगा, मिरर फॉर्मूला वॉर्मूला सब आएगा, आओ क्या मिरर को ऑब्जेक्ट यहीं दिखेगा, क्या मिरर को ऑब्जेक्ट यहीं दिखेगा, नहीं, पहले तो इस यहीं पर रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे, देखो क्या होगा, इसको आंख को हटा देते हैं, क्या होगा, यहां से रेज आई ऐसे, ये कैसा मीडियम है रेरर, ये कैसा मीडियम है टेंसर, यहां बनाया नॉर्मल, थोड़ी नीचे ले लेते हैं रेज, मिरर पे भी ले जानी है, ऐसे हाँ, यहां से रेज आई, ये कैसा मीडियम है रेरर, ये कैसा मीडियम है टेंसर, दिख रहा है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल बनाया, रेस किधर बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये रेस टूवर्ड्स द नॉर्मल है, ऐसे ना जाके
थोड़ा सा बेंड होके ऐसे चली गई, समझ में आया? नॉर्मल की तरफ बेंड होके, ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड, यानी मिरर को ऐसा लगेगा कि ये रेस कहीं यहां से आ रही है, इस जगह से, नहीं समझे? ये रेस गई थोड़ी सी बेंड होगी, हाय 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 हाय, ये रेस जाएगी यहां पे, छी गंदगी कर दो सर आप, हाँ ये रेस जाएगी यहां पे, यहां क्या बनाओगे? नॉर्मल रेस किधर बेंड हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल रेस डेंसर। तो मिरर को लगेगा, मिरर ऐसा सोचेगा ना, रेस कहां से आ रही, 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 उसको लगेगा रेस यहां से आ रही कहीं पीछे से। ये क्या है? रियल डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ है भाई। यहां से यहां जाओगे ऑब्जेक्ट थोड़ा पीछे दिखने लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में? रेरर में। रेरर में याद है बर्ड जब रेरर में थी, बहुत ज्यादा बता रहा मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बर्ड कहां थी? रेरर में। कितने डिस्टेंस पे? 36 पे। कहां दिखी थी? 48 पे। जब बर्ड रेरर मीडियम में थी तो ऊपर, और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया था, तो उसी तरह से 10 पे ना दिखकर कहीं पीछे दिखेगा। बर्ड नहीं 36 पे थी, बट दिख रही थी 48 पे। तो जब ऑब्जेक्ट रेरर में होता है तो अपेरेंट डेप्थ ज्यादा होता है। और निकाल लेते हैं, यहां से यहां जाना है, फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, ये अपना सेकंड सरफेस, तो मिरर है, सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, ध्यान देना है सब चीजों का, यहां पे रिफ्लेक्शन होगा। बढ़िया सवाल बना है। चलो तो फर्स्ट सरफेस में अपन कराते हैं रिफ्रैक्शन, तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा? N2 बराबर N1 इज इक्वल टू D बराबर D डैश। N2 लाइट जहां से जा रही, यहां से 1, N1 जहां पे जा रही 1.5, D रियल डेप्थ इस सरफेस से कितने पीछे है? 10। D डैश अपरेंट डेप्थ, यहां से D डैश इज इक्वल टू 10 इंटू 1.5, 15 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट ये कहां दिखेगा इसको? 15 सेंटीमीटर पीछे, यहां कहीं। इसको O डैश बोल दें, I भी बोल सकते हो, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, बिल्कुल चलो आए, ये पहले ने, पहले सरफेस ने इमेज बनाई थोड़ी पीछे। ऑब्जेक्ट जब रेरर मीडियम में होता है ना तो एपरेंट डेप्थ ज्यादा आती है, और ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में होता है, जैसे मछली थी पानी के अंदर डेंसर में, तो एपरेंट डेप्थ थोड़ी कम आई थी, 24 से 18, और जब ऑब्जेक्ट बर्ड था रेरर मीडियम में तो 36 से 48, ज्यादा आई। अब ये पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बोल सकते हैं ये अभी कैसे बिहेव करने वाला थोड़ी देर बाद, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं सेकंड सरफेस के, या सेकंड सरफेस पे मुझे नहीं लगता कि N2 by N1 लगाएंगे। फर्स्ट सरफेस पे तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, सेकंड सरफेस पे तो मेरे ख्याल से तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो भी किससे? मिरर से। तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, इस मिरर को देखो, इस मिरर को लग रहा है कि रेज यहां से आ रही है, यानी इसके लिए ये बन गया ऑब्जेक्ट, ये इसकी फोकल लेंथ की है। चलो स्टार्ट करते हैं, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, सब लोग को रट गया अब तक, -20 सेंटीमीटर। कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, समझा चुका हूं पहले कई लेक्चर में, ऐसा नहीं कि रटवार, बहुत क्वेश्चन किए आपने इस पे। कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव, कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। अच्छा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है यहां से लेते हैं ना डिस्टेंस, पोल से ये हुआ 45 और ये कितना आ रहा है 15, 45 और 15 यानी 60, कैसा 60? -60। अरे भाई ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है जिधर से रेज आती है, और डिस्टेंस कहां से मेजर होता है? पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट पीछे है, इंसिडेंट रे ऐसे, सब भूल गए क्या? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। मिरर्स फॉर्मूला फिजिक्स वाला करके सर्च करना, क्लास 12 मिरर्स फॉर्मूला फिजिक्स वाला पूरा बताया है। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो पोल से मेजर होता है, तो पोल से पीछे जा रहा है -60। अब आपको इमेज डिस्टेंस चाहिए अभी, तो फार्मूला लगाओगे मिरर्स फार्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। यहां से आप v को सब्जेक्ट बनाओगे, v को सब्जेक्ट बनाओगे तो आएगा uf / u - f। ये सब बहुत करा चुके हम इस फॉर्मूले से, v को भूल गया क्या बोल रहा था, हाँ, इस फॉर्मूले से v को सब्जेक्ट बनाओगे तो uf / u - f। u कितना है? -60। f कितना है? -20। u - f -60 - 20 हो जाएगा +20। तो -60 - 20 हो गया +1200, और -60 और 20 हो गया -40, 0 0 कैंसिल, -30 सेंटीमीटर।
फाइनल इमेज अभी फाइनल नहीं है, इसकी इमेज कहां बनी माइनस 30 पे, यानी पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर एक करीब यहां पे ये बनी इमेज। आई डैश बोल दे इसको, इसको आई बोल चुके आई डैश। तो रेज ऐसे आके यहां पे मिली, रेज यहां से रिफ्लेक्ट हुई और ऐसे यहां आके मिली, कितने डिस्टेंस में बनी इमेज 30 सेंटीमीटर पे। क्या ये फाइनल इमेज है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड ओ, क्या ये फाइनल इमेज है? अभी रेज यहां से यहां फिर आएंगी तभी तो आप देखेंगे यहां क्या पे थी, याद करो ये थी ना इस, तो रेज यहां से यहां फिर बाहर आएंगी, ओए ओए, यानी ये बिहेव करेगा एज थर्ड सरफेस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज, अभी रेज देखो यहां गई अंदर गई लड़ी यहां, अब यहां से यहां बाहर आएगी तभी तो आंख देखेगी, रेज जब तक आंख में नहीं पहुंचेगी तब तक इमेज कैसे दिखेगी भाई। तो रेज पहले यहां से ऑब्जेक्ट से इधर गई, बेंड हुई, यहां गई लड़ी, लड़के फिर मिरर फॉर्म में लग के यहां इमेज बनी, अब यही रेज बाहर आएंगी फिर क्या लगेगा रिफ्रैक्शन। तो थर्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फिर से लगेगा, यानी फिर से आप लगा दोगे फॉर्मूला n2 बराबर n1 is equals to d बराबर d dash। कहां से रेज आ रही, यहां से तो 1.5, कहां जा रही यहां को तो 1 नहीं आया, ये क्या बन जाएगा n2, ये क्या बन जाएगा n1, रेज यहां से यहां, जहां से जा रही n1 जहां से जा रही n2 और जहां पे जा रही हूं n1, रियल डेप्थ। अब सोचो, अब सोचो आराम से, आराम से, गलत नहीं करना है। ये सरफेस है जिसके अबाउट रिफ्रैक्शन हो रहा, लाइट यहां से यहां जाएगी आई डैश से यहां n2 से n1, रियल डेप्थ सरफेस से लोगे ना मतलब ये होगी, ये पूरा कितना है 45, तो ये कितना होगा, तो रियल डेप्थ हो गई 15, अपरेंट डेप्थ को बोला d डैश, यहां से d डैश की वैल्यू कितनी आएगी 15 अपॉन 1.5 यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी ये सरफेस इसकी फाइनल इमेज कहां बनाएगा 10 सेंटीमीटर पे, ए यहां गई आई डबल डैश, कितनी दूर 10 सेंटीमीटर। फाइनली क्वेश्चन था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट 10 10, बधाई हो जितने लोग का ये सही आया था, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। जिसको नहीं आया था फिर से एक्सप्लेन करता हूं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से रेज चली, पूरा सुन लो पहले, एक बार छाप लो फिर पूरा समझा देते हैं, कॉपी कर लो फिर पूरा समझा रहे एक बार में, कॉपी कर लो अपना दिमाग भी लगा लो। अब सुन, पहले ऑब्जेक्ट से रेज चली, यहां पर नॉर्मल बनाया, बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिस समय समझ में आया कि मिरर ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिख रहा कहीं पीछे दिख रहा है, हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ कॉन्सेप्ट, यहां पर रिफ्रैक्शन होना है, हमने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया n2 by n1 d by d dash, यहां से यहां जा रही तो ये n2 हो गया 1, n1 हो गया 1.5, रियल डेप्थ हो गई 10, अपरेंट डेप्थ आई 15, तो एक्चुअल में यहां पे इमेज बनी, मतलब मिरर को ये ऑब्जेक्ट थोड़ा पीछे दिख रहा है, इस मीडियम से अगर देखें पहले सरफेस से देखें तो ऑब्जेक्ट यहां दिखा, मिरर ने सोचा यहां से रेज आ रही, अब मिरर पे होना है रिफ्लेक्शन, तो हमने कहा फोकल लेंथ माइनस 20, ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो गया 60, ये 45 और ये 15, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, यही इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा हो गया, ठीक है। v निकालना था 1/f/1/v, यहां से v को सब्जेक्ट बनाया, uf/u-f, v आएगा -30, -30 मतलब यहां से 30 पीछे, हमने कहा ये फाइनल इमेज थोड़ी ना, अभी रेस बाहर आएंगी तभी तो आंख में जाएंगे, तो हमने कहा फिर यहां पर रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे, यहां से इस बार ये भी क्या बन गया, अब एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया फिर से इस सरफेस पे, इससे ऑब्जेक्ट कितना दूर हुआ, ये 45 है, ये 30, तो ये 15, तो हमने कहा रियल डेप्थ हो गई 15, अपरेंट डेप्थ निकालनी, यहां से यहां जा रहे n2 हो गया 1.5, n1 हो गया 1, यहां से यहां जा रहे, ये आया 10, तो फाइनल इमेज यहां से कितनी दूर इस सरफेस से 10, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट 10 10। तो यहीं पे रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का कांसेप्ट होता है समाप्त, अगले लेक्चर में लाते हैं नया कांसेप्ट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।